28 योगा इंस्टीट्यूट, 8 स्कूल्स और आप सब योग प्रेमियों का इस योग दिवस पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 अलग अलग संस्थाएं यहाँ पे परफॉर्म करने जा रही हैं। शुरुआत ब्रह्म कुमारी की संस्था से होगी, तो मैं अनुरोध करता हूँ ब्रह्म कुमारी के वॉलंटियर्स से कि प्लीज़ ऊपर आ जाएं। ओम शांति। आज बड़े खुशी हर्षोल्लास की बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, चारों तरफ प्रकृति के पेड़ हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और परफॉर्मेंस का भी हम लाभ लेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपको। योग तो सभी करते हैं, परंतु आज आपको राजयोग के बारे में, जिसका गीता में वर्णन है, योगों का राजा राजयोग, जिसको योग में अंतिम स्वरूप में समाधि के रूप में भी उसकी चर्चा की गई है। तो राजयोग क्या करता है, कैसे संपूर्ण विकास करता है आत्मा का, शरीर का, आत्मा के गुणों का विकास करता है, आत्मा की शक्तियों का विकास करता है, वो आज के परफॉर्मेंस में आप सबके सामने ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। टाइटल है राजयोग, सभी योगों का राजा राजयोग, जिसका वर्णन गीता में भी कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग से संपूर्ण विकास होता है, सब संबंधों का विकास होता है। तो अभी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजयोग। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता है। भारतवर्ष पुरातन काल से ही योग व ध्यान के माध्यम से शरीर व आत्मशुद्धि का रास्ता बताने वाला विश्व गुरु रहा है। योग व प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, निरोगी व स्फूर्तिदायक रहता है, अनेक शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। परंतु हम देखते हैं कि मन कमजोर होने से भी अनेक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे मन को राजयोग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। योग में ही भरी शक्ति, योग का धर्म में स्थान है। योग में है भरी शक्ति, योग का धर्म में स्थान है। योग से संस्कृति उज्जवल, वेद में इसका प्रमाण है। योग से देह की शुद्धि है, योग से मन अनुशासित है। योग से आत्मा निर्मल है, योग ही तो सुखकारक है। ये वही योग है जिसे गीता में परमात्मा ने अर्जुन को सिखाया था। योग से भागे रोग है, योग से तन ऊर्जावान है। योग ही तो सारी दुनिया को भारत का वरदान है। योग से मन की शांति है, योग में प्रभु का नाम है। योग में ही छिपी मुक्ति, योग भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा कुमारी संस्था 88 वर्षों से इसी योग का अभ्यास करा रही है। आओ हम राजयोग का अभ्यास करें। कुछ समय हम अपने आप से मिलें, हम स्वयं का दर्शन करें, अपना ध्यान मस्तक पर केंद्रित करें। मैं मस्तक के बीच में चमकती हुई
एक सूक्ष्म प्रकाश हूं, आत्मा हूं। मैं आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है। आप जो भी सुनते हो अब उसको महसूस करने की कोशिश करें, अपने मन से स्वीकार करें। ओम शांति राजयोग अपनी चेतना से मिलने का रास्ता है। स्वरूप हूँ, I am peaceful soul, ओम शांति योग। राजयोग मन बुद्धि व संस्कारों के प्रबंधन का मार्ग है। राजयोग आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, I am powerful soul, ओम शांति। सुंदर सा प्रोग्राम ब्रह्म कुमारी, इसका जोरदार तालियां हो जाए।